गुड मॉर्निंग गाइस, और अब हम एक नई जर्नी पे निकल चुके हैं। आज का जो हमारा सफर है थोड़ा लंबा है, करीब करीब 850 किलोमीटर का है, और अभी हम जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस। तो दिल्ली से और ये बनारस का हमारा रोड ट्रिप होगा, और इसमें आपको डिटेल्ड नॉलेज मिलेगी। हम एक्सप्रेस वे से जाएंगे, दिल्ली टू आगरा एक्सप्रेस वे लेंगे, देन आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे, देन लखनऊ से सुल्तानपुर, देन जौनपुर होते हुए हम जाएंगे बनारस। हम भी मज़े लेते हैं सफ़र का और आपको भी दिलाते हैं। अभी सुबह के बजे 6:30 और दिल्ली में बड़ा सुहावना मौसम है। ये आ गया हमारे लेफ्ट साइड में कालिंदी कुंज, और अब यहाँ से अब हम लेंगे यमुना ब्रिज पे, आगे से लेफ्ट है। तो अभी हम चल रहे हैं यमुना ब्रिज पे, हमारे लेफ्ट साइड में यमुना जी है और पानी है ठीक ठाक है, और ये ब्रिज ऑलमोस्ट हमने क्रॉस कर लिया है। और ये सामने आपको बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही हैं, नोएडा की हैं। अभी मेरे ख्याल से हम दिल्ली को क्रॉस करके और यूपी के अंदर घुस गए हैं, तो अब हमारा जो पूरा सफ़र होगा वो यूपी में ही होगा, वाराणसी तक। तो ये नोएडा में हो गया हमारा स्वागत, वेलकम टू नोएडा। अभी हम चल रहे हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा का जो बीच का कनेक्टिंग रोड है, इसको भी एक्सप्रेस वे ही कहते हैं, नोएडा से ग्रेटर नोएडा। आगरा एक्सप्रेस वे अभी आगे से चालू होगा, तो सुबह सुबह एकदम मस्त खुला रोड है। ये कट आ गया है यमुना एक्सप्रेस वे का। अब यहाँ से आगरा तक का जो हमारा सफ़र होगा बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। तो करीब करीब 64 किलोमीटर के करीब हम घर से चल के आ गए हैं, और 1 घंटा में पूरा हो गया, 7:28 हो गए हैं, एंड 19.4 की एवरेज निकल रही है कार की, और एकदम खुला मस्त रोड है और मस्त मौसम है, मतलब पूरी घटा छाई हुई है। नहीं तो अब तक तो सूरज निकल जाता, धूप होती, लेकिन मौसम बड़ा ही प्यारा है। करीब 74.4 किलोमीटर चलने के बाद ये आज के दिन का हमारा पहला टोल प्लाजा आ गया है, ये है जेवर टोल प्लाजा। 1 घंटे में लगभग हमने कवर कर लिया है घर से 74 किलोमीटर, तो अभी तक तो अच्छा ही रहा है। तो ये हमें सूर्य देव का के थोड़े थोड़े दर्शन हो गए हैं, पूरे तो अच्छे तरीके से तो नहीं दिख रहे सूरज क्योंकि अभी भी घटा ही है, और रोड एकदम मस्त ऑलमोस्ट खाली। लगभग 100 किलोमीटर हम चल चुके हैं, और अभी हमारा 748 किलोमीटर और चलना बाकी है। 100 तो नहीं चले, हम 96 चले हैं टोटल, और 10:42 और दिखा रहा है, 6:40 पे हम शाम को पहुंच जाएंगे। मैंने 94 पे क्रूज़ कंट्रोल सेट करा हुआ है, कॉन्टीन्यूसली कार चल रही है क्योंकि ऐसा रोड है बिल्कुल एकदम खुला। ये आ गया हमारा सेकेंड टोल प्लाजा, 130 किलोमीटर चलने के बाद आया है। 142.5 किलोमीटर चलने के बाद ये फूड प्लाजा पहले भी आए थे, लेकिन ये हमें एक आइडल सा लगा, 8:30 का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे रुक के एक चाय की लेंगे चुस्की, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, और कुछ हल्का फुल्का लेंगे स्नैक्स का मन करा तो। तो ये है फूड प्लाजा, यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है। ये हमने बीकानो रेस्टोरेंट में लिया है, 20 रुपये की है मात्र कूलड़ वाली चाय, एंड काफ़ी टेस्टी है, मैंने भी एक सिप मार चुका हूँ ऑलरेडी, काफ़ी अच्छी और वैल्यू फॉर मनी है 20 रुपये में। एंड हमने पनीर पकौड़ा भी लिया, उसके लिए थोड़ी भीड़ लगी हुई है, अभी आने वाला है। तो सही है ये दिल्ली से चलने के बाद, अगर सुबह आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो 2-2.5 घंटे में यहाँ पे पहुँच जाएंगे, परफेक्ट टाइम है। 8:30 बज रहे हैं, 8:50 हमें 10 मिनट हो गए हैं, यहाँ पे अच्छी जगह है। तो गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेने के बाद, सही में मस्त चाय थी, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट है, ये कॉस्टा कैफे सबवे वगैरह सब कुछ है, ये फूड स्ट्रीट, और उधर हमने चाय पी थी बिकानो में। तो अब अपना सफ़र करते हैं जारी आगे के लिए। जैसे ही हम फूड कोर्ट से निकले हैं, करीब 1.5 किलोमीटर ही आए होंगे, और ये आगे मेरे ख्याल से आ गया मथुरा का कट, जो ये लेफ्ट गया रास्ता। तो 145 किलोमीटर हमारे घर से चलने के बाद ये कट आया मथुरा का, और ये सीधे चले जाएगा आगरा। 185 किलोमीटर चलने के बाद ये आ गया हमारा थर्ड टोल प्लाजा, हम आ गए हैं आगरा इनर रिंग रोड पर। ये एक्सप्रेसवे अभी ख़त्म हो गया थोड़ा सा मेरे ख्याल से, 6-7 किलोमीटर के बाद फिर हम लेफ्ट लेने के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आ जाएंगे। करीब 200 किलोमीटर चल चुके हैं घर से। तो अगर आप दिल्ली से और आगरा तक जाते हैं इस वाले एक्सप्रेसवे से, यमुना एक्सप्रेसवे से, तो जो हमारा टोटल टोल यहाँ तक का लगा है, तो टोटल 470 रुपये का टोल टैक्स है अगर आप ये यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा जाएंगे। अपने घर से करीब 207 किलोमीटर चलने के बाद ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आ गया है। ये सीधे जो रोड गया है तो गया आगरा, और हमें लेफ्ट लेना है, तो ये गया है सीधे लखनऊ। तो अब हमने यमुना एक्सप्रेसवे को छोड़ के और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को ले लिया है, और इधर स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर की जो पीछे थी इस पर,
यमुना एक्सप्रेस वे पे भी यहाँ से अब फिरोजाबाद है 40, कन्नौज 199, लखनऊ है 317। तो इस एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के बाद लखनऊ 317 है, तो अब देखते हैं टोटल हमें कितना टाइम लगता है। 9:46 हो गए हैं, तो 3.25 घंटे में हम 210 किलोमीटर कवर कर पाए। पहला टोल प्लाजा आया है हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, करीब करीब हम 18 किलोमीटर के करीब चले जब से हमने कट लिया है। तो जो दिल्ली से आगरा के बीच में था ना हाईवे, उस पर थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है, लेकिन जब से मैंने ये आगरा से लखनऊ वाले एक्सप्रेस वे पे लिया है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, ट्रैफिक तो बिल्कुल बहुत ही कम है इस पर, एकदम ऑलमोस्ट खुला है। और मुझे ये थोड़ा सा आगरा और दिल्ली वाला जो एक्सप्रेस वे है उसे थोड़ा सा बेटर लगा। रीज़न वही है कि इसमें तारकोल वाली रोड है, उस पर सीमेंटेड है, तो वो थोड़ा सा गाड़ी के अंदर एक नॉइजी फील आती है ना, इधर वो वाली चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मूथ रोड है, बहुत ही अच्छा है। और इस रोड पे मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ कि जैसे किलोमीटर 27 लिखा है, ये इधर लिखा है किलोमीटर 27, ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं, आई थिंक ये वो है कि आगरा से हम इस एक्सप्रेस वे पे टोटल अभी 27 किलोमीटर आ चुके हैं, जैसे बीच में हर किलोमीटर के बाद आ रहा है, जैसे भी 27 आगे 28 आ जाएगा, तो इस वाले पे ये मार्क भी बनाया हुआ है। और ये देखो सामने आपको स्पीड कैमरे नज़र आ रहे होंगे, और ये भी मतलब जैसे आगरा एक्सप्रेस वे पे भी हैं दिल्ली आगरा, और ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे भी कई जगह पे लगे हुए हैं। तो जैसे आप ज़्यादा तेज़ बढ़ाएंगे, अगर 100 से ऊपर की स्पीड होगी तो आपका 101% घर चालान आएगा। ये जो कट आया है ये है लेफ्ट जो गया है, ये है फिरोजाबाद का कट, और अभी जो हम क्रॉस करेंगे ना, जो ये बना है फ्लाईओवर, हम NH2 जो पुराना रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड, जिससे पहले मतलब ये वाराणसी जाया करते थे वाया कानपुर होते हुए, तो हम उसके ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं अभी। तो ये NH2 वो हमने ऊपर से क्रॉस कर लिया है, काफ़ी बड़ा वो बना होता डाइवर्जन ही था दिख रहा है। जो 282 किलोमीटर चलने के बाद हमारा ये वाला कट आया था, ये तो पूरे 300 किलोमीटर हो गए हैं, और टाइम हो गया 10:47, 9:46 पे हमने इस वाले हाईवे पे लिया था आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, और 210 किलोमीटर थे उस टाइम रीडिंग कार में, और इस टाइम 300 है, तो लगा लो हमने करेक्ट 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा है एग्जैक्ट एक घंटे में। वैसे मैंने 96 पे क्रूज कंट्रोल सेट करा हुआ, यहाँ पे 100 की स्पीड है, तो कॉन्टीन्यूसली कार चल रही है। एक ही टोल प्लाजा आया था अब तक, उसके बाद मेरे को लगता है कि इसमें वो जो एग्जिट पॉइंट है उधर टोल प्लाजा है, अब सीधे इसमें टोल प्लाजा उधर ही आएगा जब मैं लखनऊ में एक्सप्रेसवे ख़त्म होगा वहाँ पे। बहुत बहुत ही अमेजिंग रोड है, और इसके लेफ्ट साइड में देखो दूर दूर तक एकदम खुला, वहाँ देखो दूर दूर तक। तो ये लेफ्ट में कट गया है फूड प्लाजा का, काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका नाम है फूड किंग प्लाजा, काफ़ी सारी कार खड़ी हैं। ये पूरा करेक्ट 100 किलोमीटर चलने के बाद आता है इस वाले आगरा के बाद, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, और ये 100 किलोमीटर का मतलब आप ये मानो कि लगभग लगभग 1 से 1.25 घंटे में आपके कवर हो जाएंगे, इतना अच्छा हाईवे है ये। ये आ गया आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे चित्रकूट जाने का रास्ता, ये लिखा है लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा वेलकम टू बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, तो ये यहाँ से शुरू होता है, और ये यहाँ से जो रास्ता ये गया है लेफ्ट में ओरा घूम के, ये गया है सीधे चित्रकूट, चित्रकूट धाम। ये करीब 338 किलोमीटर हमारे घर से चलने के बाद आया है चित्रकूट धाम का ये, और करीब 300 किलोमीटर का और एक्सप्रेसवे है चित्रकूट तक, तो वही है 650 किलोमीटर के करीब है टोटल दिल्ली से चित्रकूट। हम चल गए हैं पूरे नेट 400 किलोमीटर, और करीब हमने 5.5 घंटे में सफ़र तय करा है, 439 किलोमीटर अभी हमें और जाना है अभी वाराणसी पहुँचने के लिए। तो जो अभी हम जिस ब्रिज पे से क्रॉस कर रहे हैं ये है गंगा नदी, गंगा जी उसको क्रॉस कर रहे हैं अभी। लखनऊ से तो हैं हम करीब करीब 100 किलोमीटर पहले, और काफ़ी बड़ा प्लेन खुला एरिया है क्योंकि पानी बहुत कम है उसमें, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है बस, और काफ़ी बड़ा फ्लाईओवर है ये दिख रही है, ये पूरी दिख रहा है जो पानी पानी साफ पे सारा गंगा जी है। ये जगह है जो इमरजेंसी लैंडिंग, अगर फाइटर जेट्स वगैरह को उतारना हो इमरजेंसी में वॉर वाली सिचुएशन में, तो उसके लिए इस ट्राइब बनाई है। इस जगह पे जो बीच में आपके डिवाइडर नज़र आ रहे हैं ना, इनको हटा सकते हैं, टेम्परेरी है, ये पक्के नहीं है। देखो ये देखो स्ट्राइप बनाई है ना, ये रहा ये वाइट वाइट आपको नज़र आ रही होंगी, ये जो नीचे नज़र आ रही हैं ये रनवे है बेसिकली, तो इसमें जो बीच का जो डिवाइडर है इसको हटा दिया जाता है, और इस पर लैंड करा भी हमने फाइटर जेट्स को जब ये स्टार्टिंग में नया नया बना था, तो यहाँ पे लैंड करके देखा था।
ये देखो बंगार मऊ एयर स्ट्राइप इस जगह का नाम है, मैप में भी लिख के आ रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा था ना अभी, बंगार मऊ एयर स्ट्राइप है। अब ये खत्म हो गई, अब ये नॉर्मल हाईवे शुरू हो गया। तो ये कम से कम मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर का ये तो था रन वे। तो बड़ी अच्छी चीज़ करी है, जैसे कि इमरजेंसी में अगर इन केस ऑफ वॉर, वैसे तो ऐसा ना हो लेकिन अगर इमरजेंसी में यूज़ करना चाहें तो हम फाइटर जेट्स वगैरह को उतार सकते हैं। तो ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे हम लखनऊ पहुँचने वाले हैं, और ये टोल प्लाजा है। इसमें एक टोल प्लाजा स्टार्टिंग में आया था जब हम इस एक्सप्रेस वे पे चढ़े थे, और जब ये एक्सप्रेस वे ख़त्म हो रहा है तो इस पे ये लास्ट टोल प्लाजा है। मतलब दो ही टोल प्लाजा हैं, तो अब इसमें मैं बताऊंगा आपको टोटल हमारा कितना टोल कटा है। अभी जब कटेगा जब पता लगेगा यहाँ पे। अभी तो हम चल गए हैं पूरे 500 किलोमीटर, करीब 6.5 घंटे में हमने टोटल ये डिस्टेंस कवर करा है। तो ये लखनऊ एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ख़त्म हो गया है। अब हम यहाँ से इंटीरियर लखनऊ वाले रोड पे जाके और उससे चलेंगे। मेरा लखनऊ वाला जो अंदर का रास्ता है वो इस पे से लेना आप। तो एक्सप्रेस वे एंड हो गया है लखनऊ यहाँ से, जो मेन सिटी है करीब करीब अब मोटा मोटा लगा लो तो 15-17 किलोमीटर दूर होगी, जो बिल्कुल मेन सेंटर पॉइंट है। अभी हम लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में चल रहे हैं। ये है लेफ्ट में जितना भी है सारा, ये लखनऊ शहर है जो इसका आउटस्कर्ट का एरिया है। लखनऊ आप 7.25 घंटे में पहुंच सकते हैं, 6:30 से लेके और 7 नॉन स्टॉप आएंगे तो 6.5 घंटे, क्योंकि हमें लगे हैं 7.25 घंटे लखनऊ पहुंचने में। और हमने बीच में एक टी का ब्रेक लिया था। अब यहां से प्रयागराज 235 लिखा है और ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो ये लखनऊ शहर के अंदर हमने रोड पे हमें दिखा द पॉश पूफ करके रेस्टोरेंट है, ये अच्छा लगा, मैंने किसी से पूछा था। तो अभी इसमें चल के हम करते हैं लंच। ये रहा यहाँ पे आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट जो है देखने में काफ़ी पॉश है। बस यहाँ पे किटी पार्टी चली हुई आंटियों की तो नंबर लग रहा है। अभी देखने में तो अच्छा है, फूड बताता हूँ मैं कैसा है इसका। इन्होंने हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, एक तो ये दिया है जलजीरा एंड ये दिए हैं तले हुए। तो ये आ गई हमारी दाल मखनी, मक्खन इसमें दिख रहा साफ ऊपर तैरता हुआ। क्वान्टिटी भी इन्होंने अच्छी दी है, काफ़ी ज़्यादा है। और ये है इनकी रोटी, टू गुड ऑथेंटिक, जैसे आप दिल्ली में किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के दाल मखनी खा रहे हैं ना, वो वाला थिक फ्लेवर है, टेस्ट बहुत अच्छा है, रोटी बहुत ही करारी खस्ता बढ़िया है, उन्होंने काफ़ी अच्छा द पॉश पूफ। और प्राइस भी मैंने आपको बताया, जैसे 30 रुपये की बटर रोटी है एंड 250 रुपये की दाल मखनी है, तो प्राइस भी रीजनेबल है जिस हिसाब से इसका एम्बियंस है, जिस हिसाब से फूड है टू गुड है। तो फटाफट मैं अपना खाना खा लेता हूँ क्योंकि अभी भी हमारा अच्छा लंबा सफ़र बचा है, फिर आगे भी निकलना है। तो खाना खा के यहाँ पे तो पेट की तो होगी तृप्ति, काफ़ी अच्छा खाना था। और अभी हम बस यहाँ से हमारा बचा 324, बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 514 किलोमीटर ऑलरेडी मैं चल चुका हूँ, तो 324 किलोमीटर हमारा रह गया। 5:35 दिखा रहा है, 7:45 बजे हम पहुँचेंगे वाराणसी, देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। अभी तो हम इसके लखनऊ के ट्रैफिक के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। ये देखो ये मेट्रो दिख रही होगी आपको, लखनऊ मेट्रो हमारे साथ साथ चल रही है पैरेलल। तो अभी बस मेन है लखनऊ शहर को क्रॉस करना, इसके आउटस्कर्ट्स को, देन जब हम एक बार को पूर्वांचल पे चढ़ जाएंगे ना एक्सप्रेस वे पे, तब तो फिर दोबारा से स्पीड बन जाएगी। लखनऊ का ये थोड़ा कंजेस्टेड एरिया था उसको क्रॉस करके अभी हम हैं NH 27 पे, और ये अब थोड़ा खुला लग रहा है। यहाँ से सुल्तानपुर 127 है, वाराणसी है 317। तो यहाँ से हाईवे शुरू हुआ है, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे शुरू नहीं हुआ है। इस हाईवे का नाम है 731। तो अभी जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे शुरू हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली वो कहाँ से शुरू होता है। अभी हम इससे बाहर आ चुके हैं, लखनऊ सिटी से बाहर आ गए। ये आ गया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बस अब हम इस पर चढ़ जाएंगे। यहाँ से ये लिखा है इस पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में आपका स्वागत है। टोटल 540 किलोमीटर करीब गाड़ी चल चुकी है और हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर चढ़ गए हैं, दिल्ली से बता रहा हूँ 540। वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, सुल्तानपुर 103 किलोमीटर है जहाँ से हमें कट लेना है